please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Naam Nirmal Singh Bhangoo, umr 61 saal, pesha doodh bechne se shuru hua aur pahuncha 183,000 ekad zameen tak. Aarop fraud karke CIS Ponzi scheme chalane ka aur takriban 5,000 crore ko isse thagne ka. Haliya sthiti Tihar jail. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह. स्वागत है आपका निर्मल सिंह भंगू से जुड़े रियल्टी टॉक के एक और एपिसोड में. पिछले दो एपिसोड से मैं निर्मल सिंह भंगू के बारे में बात कर रहा हूं. सबसे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि निर्मल सिंह भंगू के शुरुआती दिन कैसे थे, उसने कहां नौकरी करी थी और कैसे कंपनियों के खोलने की शुरुआत करी थी. दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे उसने एक के बाद एक कई शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों तक में कंपनियाँ खोलीं और वहाँ पर फिर उन कंपनियों को बड़ा करा. आज हम बात करेंगे कि कैसे निर्मल सिंह भंगू तिहाड़ जेल में पहुंचा, जो उसका सपना था महंगी गाड़ियों का, प्राइवेट प्लेन्स में उड़ने का, लग्जरी लाइफ जीने का, वो कैसे धाराशाही हुआ और आज वो सलाखों के पीछे काल कोठरी के अंदर है. साल 2016, यही वो साल था जब निर्मल सिंह भंगू पहली बार तिहाड़ जेल गए. 2016 में निर्मल सिंह भंगू का सपना चकनाचूर हो गया था. जो ऐशो आराम की जिंदगी वो जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अब तक सारी चीजें करी थी, वो सब खत्म हो गया था और वो आके रुके थे लोहे की सलाखें और कंक्रीट का एक कमरा, जो तिहाड़ जेल में उन्हें मिला था. इसकी शुरुआत 2015 से हुई जब ईडी ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर करा. ईडी ने उनकी जो स्कीम चलाई जा रही थी, CIS स्कीम और पोंजी स्कीम, इसमें ईडी का मानना था कि 5 करोड़ इन्वेस्टर्स को ठगा गया है. और ऐसा सिर्फ ईडी का मानना नहीं था, ऐसा ही CBI और SEBI का भी मानना था. इन सबके आंकड़े मिलते जुलते थे और सबके आंकड़े ये कहते थे कि 5 करोड़ लोगों को ठगा गया है. उनकी मेहनत की कमाई के साथ निर्मल सिंह भंगू ने खिलवाड़ करा है. भंगू ने 5 करोड़ लोगों को ठगा. वो जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा किस स्कीम के जरिए ठगा. ये स्कीम थी पोंजी स्कीम. पोंजी स्कीम में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो भंगू की कंपनी थी, कंपनी के लोग आम लोगों के घर तक जाते थे, जो आम लोग इनके इन्वेस्टर्स होते थे. आम लोगों को लालच दिया जाता था कि जो आपके पैसे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि 10,000 है, तो 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10,000 आपके सेफ हैं. दूसरा, कंपनी एक टाइम पीरियड रखती थी, टाइम पीरियड का टेन्योर होता था इनका, जैसे 1 महीने मान लीजिए, तो 1 महीने के अंदर आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना ही आपको इंसेंटिव मिलता था. जैसे कि मान लीजिए मैं जुड़ा, मेरे से मैंने कंपनी में 10,000 रुपये लगा दिए, तो मुझे 10,000 का तो मिलेगा ही मिलेगा जो भी रिटर्न है. उसके बाद अगर मैं 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे जोड़ूंगा तो डायरेक्ट कंपनी से नहीं जुड़ रहे हैं, वो मेरे थ्रू जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा जो कंपनी देती थी एक टाइम पीरियड के बाद. तो इसमें होता ये था कि जो पुराने लोग होते थे, पुराने जुड़े हुए होते थे, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट लगभग मिल जाती थी. कई केसों में हुआ, कई में ऐसा भी नहीं हुआ. लेकिन जो एंड के लोग होते थे, क्योंकि कड़ियाँ बहुत ज़्यादा जुड़ जाती थी, काफ़ी वक्त से चलती हुई आ रही थी, तो ये एक पूरी चेन बन जाती थी. जब चेन लंबी बन जाती थी तो कंपनी के पास बहुत पैसा आ जाता था, क्योंकि कंपनी अपनी जेब से तो कुछ दे नहीं रही है. जो पहले आदमी ने पैसा दिया है वही औरों को भी मिल रहा है और जो लास्ट ने दिया है वही मिल रहा है. तो इवेंचुअली इसमें हो ये रहा है कि इन्वेस्टर्स का पैसा ही आपस में घूम रहा है और उसमें कंपनी का मोटा मुनाफा भी आ रहा है, क्योंकि जो प्रॉफिट दिया जाता था उसका परसेंटेज बहुत कम होता था, जो इन्वेस्टर्स होते थे उन्हें बाद में समझ में आता था. और जब चेन लंबी हो जाती थी, 5 साल 4 साल 3 साल होता था, डिपेंड करता है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, जब मोटे पैसे आ जाते थे तो कंपनियां भाग जाती थी, स्कीम बंद कर देती थी या कुछ भी ऐसा कर देती थी. ये थी स्कीम. इसी स्कीम का इस्तेमाल करके निर्मल सिंह भंगू जी ने 5 करोड़ लोगों को ठगा और बाद में फिर ईडी, CBI और SEBI की नज़र में आए. इस स्कीम को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं कि स्कीम होती क्या है. इसमें एक कंपनी है, कंपनी के लोग कंपनी से 2 लोग जोड़ते हैं, दोनों ने 1,000 रुपये दिए, कंपनी के पास आ गए 2,000 रुपये. कंपनी ने इन्हें दे दिया 1 महीने का टाइम कि जी आपके पास 1 महीने का टाइम है और 1 महीने के अंदर अगर आप 4 लोगों को लाते हैं तो आपको 500 रुपये इंसेंटिव मिलेगा एक आदमी के ऊपर, और जो आपका रिटर्न है 1,000 का उस पर 500 रुपये आपको अलग से मिलेंगे. ठीक है जी,
तो इन्होंने दिए थे 1,000 रुपये और 1 महीने बाद इन्हें 1,000 रुपये और मिलेंगे अगर ये कंपनी के मुताबिक काम करते हैं। तो एक आदमी ले आया 2 लोगों को और जो दूसरा व्यक्ति था वो भी 2 लोगों को ले आया, तो ये लोग कितने ले आए, 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये में से इन्होंने 2,000 कंपनी को दे दिए, एक व्यक्ति से 2 लोग जुड़े, 1,000 लाने वाले थे, 2,000 उन्होंने कंपनी को दे दिए, दूसरे ने भी ऐसा करा तो 4,000 रुपये कंपनी के पास आ गए, जिसमें कंपनी ने क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है। उसमें से सबसे पहले व्यक्ति को इंसेंटिव देना था 500 रुपये उसके 1,000 का, वो उन्होंने दे दिया। फिर उन्हें देने थे 500 रुपये 2 लोगों के, कंपनी ने वो भी दे दिए। सब कुछ देने के बाद 4,000 में से 2,000 बांट दिए और 2,000 कंपनी के पास अब भी प्रॉफिट आ गया। इसके बाद ये चेन ऐसी ही चलती रहेगी और आगे चलती रहेगी। जो 2 लोग थे वो 4 लोगों को जोड़ेंगे, फिर उन 2 से 4 जोड़ेंगे, फिर 4 से 16 होंगे और ये चेन आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे ही चेन जब ये बड़ी हो जाती है और कंपनी के पास ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपनी रफू चक्कर हो जाती है सबके पैसों को लेकर। इस स्कीम से ठगे हुए लोगों की जनसंख्या जान लीजिए कि कौन से राज्यों में ज़्यादा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस स्कीम से ठगे हुए लोग उत्तर प्रदेश में 1.3 करोड़, महाराष्ट्र में 61 लाख, तमिलनाडु में 51 लाख और राजस्थान में 45 और सबसे कम हरियाणा में 25 लाख। इतने लोगों को इन राज्यों में ठगा इस स्कीम ने, इतने लोगों की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल करा गया। भंगू जब 2016 में पहली बार अरेस्ट होकर तिहाड़ गए थे तो एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार है उसके अनुसार भंगू ने $2.5 मिलियन का ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ घर अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दिया था जेल जाने से कुछ ही हफ्तों पहले। उसके बाद भंगू से जुड़ी हुई एक और कहानी ये है, कहानी क्या है वो तो पूरा तथ्य है सबके सामने है, ये कि जब भंगू के ऊपर केस चलने लगा तो आया मई का महीना 2016 की मई। 2016 की मई में भंगू के खिलाफ भटिंडा में एक केस रजिस्टर होता है, उसके लिए भंगू जी भटिंडा जाते हैं, भटिंडा के कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है। सुनवाई के कुछ ही दिनों के भीतर भंगू जी की तबीयत खराब हो जाती है, फिर इन्हें वहाँ एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब वक्त की मार देखिए कि भंगू जी की बीमारी का समझ ही नहीं आ रहा था डॉक्टरों को कि वो कौन सी बीमारी हो गई थी इन्हें, इतने बीमार हो गए थे वो कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। ये तो डॉक्टरों की कहानी है और जो डॉक्यूमेंट पर चल रही थी, लेकिन कोर्ट के अनुसार ये हुआ था कि भंगू जी अस्पताल गए, डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें आप डिस्चार्ज कर दीजिए, आप इन्हें ले जा सकते हैं, डॉक्टरों ने पुलिस से कहा। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखिए और पुलिस की उत्सुकता देखिए, या मैं कहूँ जिज्ञासा देखिए, कि भंगू जी की बीमारी में उन्हें इतना इंटरेस्ट आ गया था कि वो डॉक्टरों पे चढ़ गए कि आप पता लगाइए कि इन्हें बीमारी कौन सी थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, और जब आप हमें सब बता देंगे तो हम भंगू जी को यहाँ से ले जाएंगे, जब तक पता नहीं चलता हम भंगू जी को नहीं ले जाएंगे। अब हुआ ये कि 8 महीने तक भंगू जी अस्पताल में रहे, हॉस्पिटलाइज रहे। अब वो अस्पताल में क्या कर रहे थे ये तो आपको पता होगा, और पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी ये भी पता होगा, लेकिन ये सब चीज़ें कोर्ट की नज़रों से ज़्यादा वक्त तक छुप नहीं पाई। 8 महीने के अंदर ही कोर्ट ने खेल समझ लिया भंगू का और पुलिस का जो था, और कोर्ट ने इन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट करने के लिए बोल दिया। इसके बाद भंगू जी को दोबारा तिहाड़ जेल लाया गया और वो दोबारा से अपनी उसी काल कोठरी में वापस आ गए। हालिया स्थिति ये है कि सेबी भंगू जी से कह रही है कि जितने भी लोगों की आपने कमाई खाई है, जितने भी लोगों का पैसा घप करा है, उन्हें उनके पैसे वापस कर दीजिए और आप जा सकते हो। जिसके लिए सुनने में आया था कि PACL अपनी ज़मीन बेचने की भी कोशिश कर रही थी जो बंजर पड़ी हुई है, पर शायद वो सफल नहीं हुई। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिनके साथ इस स्कीम से धोखा हुआ है तो आप सेबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर नीचे मेंशन होगी, वो आप देखिएगा। इस वेबसाइट पर आप जाके रजिस्टर करिए 28 फरवरी 2018 से पहले। अगर आपके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, नंबर नोट कर लीजिए ध्यान से, 562-632। नंबर मैं दोबारा बता रहा हूँ, 562-632। सेबी का नंबर है ये, इस नंबर पे आपको अपनी सारी डिटेल्स को SMS करना है जिसमें सेबी आपकी मदद करेगी आपके पैसे वापस दिलवाने में। 28 फरवरी 2018 से पहले आपको अपना SMS करना है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में और निर्मल सिंह भंगू में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निर्मल सिंह भंगू की भूख ज़्यादा थी जो उससे ये कंपनी खुल गई और उसने ये स्कीम चलाई और जिसका नतीजा ये है कि वो तिहाड़ जेल के पीछे है। इंटेंशन आपकी भी यही थी, आपको भी कम समय में ज़्यादा पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से, जिस लालच की वजह से आप भंगू की स्कीम में फंस गए। अगर आपके मन में उस वक्त लालच नहीं होता
तो आप उसकी स्कीम में नहीं फंसते और आज आपके पैसे आपके पास सुरक्षित रहते जो आपकी गाड़ी कमाई थी। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क, कड़ी मेहनत ही आपको अच्छे रिटर्न पैसे दिला सकती है। तब तक के लिए नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं आगे से किसी भी अपडेट के लिए। नमस्कार।